हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल सोनीपत की बीएड की डेट शीट आ गई है वेबसाइट पे। तो अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं और 21 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थ्योरी डेट शीट है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बीएड की सितंबर 2020 एग्जामिनेशंस। एंड आपके जो समय रहेगा एग्जाम्स का, टाइम ऑफ एग्जाम, वो होगा 10 से 12:30 बजे तक मॉर्निंग सेशन का, और आपका इवनिंग सेशन का टाइम होगा 1:30 से 4 बजे तक का। तो डिस्कस कर लेते हैं डेट शीट, एंड बड़ी ही अच्छी बात है। अब देखिए, हर यूनिवर्सिटी की तरफ से धीरे धीरे बीएड की डेट शीट्स भी देखने को मिल रही हैं आफ्टर योर यूजी पीजी एग्जाम्स। तो आने वाले वीक में पॉसिबल है कि सभी यूनिवर्सिटीज की तरफ से बीएड की डेट शीट आ जाए। तो 21 तारीख को आपका पहला एग्जाम है। कोर्स कोड यहां पे BD101 मेंशन्ड है। ये आपको अपने एग्जाम आंसर शीट पे भी लिखना होगा, तो इसको नोट भी कर ले। एक इसकी कॉपी जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको सेव कर ले अपने फोन या लैपटॉप पे। एंड ये फर्स्ट एग्जाम है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। कोर्स आईडी भी गिवन है एंड मॉर्निंग सेशन है आपका। फिर 23 तारीख को आपका एग्जाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। देखिए, ये फर्स्ट ईयर रीअपियर का है, मेन का नहीं है। सेकेंड ईयर में आपके मेन के एग्जाम होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेन के एग्जाम नहीं है, ये चीज का ध्यान रखें। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, कोर्स आईडी गिवन है। अगला एग्जाम है 25 तारीख को आपका। देखिए, 21 के बाद 22 को आपको एक दिन मिल जाता है प्रिपेयर के लिए, देन 23 है, देन 24 को भी छुट्टी मिल जाती है प्रिपरेशन का टाइम, देन 25 को एग्जाम है। लर्निंग एंड टीचिंग का कोर्स आईडी और कोर्स नंबर गिवन एंड मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उसके बाद 29 तारीख को है, 28 को आपको छुट्टी मिल जाती है, एक दिन प्रिपेरेटरी लीव आपको मिल जाती है। 29 तारीख को है आपका पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का एग्जाम मॉर्निंग सेशन में। देन आपका 1/10/2020 को, मतलब कि नेक्स्ट महीने भी एग्जाम आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का है मॉर्निंग शिफ्ट में। देन 3 तारीख को है आपका पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट में। कोर्स आईडी सबकी गिवन है, कोर्स नंबर भी सबका गिवन है। अब है सेकेंड ईयर मेन एंड रीअपियर की, दोनों की डेट शीट है यहां पे। तो 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। नॉलेज एंड करिकुलम का पहला एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है आपका। कोर्स को आईडी यहां पे गिवन है सबकी, एंड कोर्स नंबर भी गिवन है। 22 तारीख को असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम है आपका। देन 24 तारीख को क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का। देन आपका 26 तारीख को एग्जाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। देन 28 को एग्जाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स। 30 तारीख को एग्जाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और 2 तारीख को है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है। कोर्स नंबर सबका गिवन है, जो आप प्लीज अपने कहीं पे लिख लें या इसको सेव कर लें, जहां से आप डिलीट ना करें, एंड कोर्स आईडी भी गिवन है। अब इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स सब पार्ट्स इफ एनी आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन द क्वेश्चंस अवेलेबल इन द क्वेश्चन पेपर इग्नोरिंग द सेक्शन यूनिट एंड कंपल्सरी क्वेश्चन। देखिए, कंपल्सरी क्वेश्चन को इग्नोर करके सेक्शन यूनिट को आप बिल्कुल लिख सकते हैं कोई भी 4 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के। तो ये बहुत अच्छी चीज इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पे देखने को मिली। सेकेंड इज, ऑल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट शॉल कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के आपके होंगे चारों। देन कैंडिडेट शुड नोट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स एंड एनी कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड शॉल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप एग्जाम टाइम अच्छे से नोट कर ले आपका, जो भी यहां पे मेंशन्ड है। कल को आप यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि हमने एग्जाम टाइम नहीं देखा था, कुछ भूल हो गई, ये लगा, कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसा कुछ एंटरटेन यूनिवर्सिटी की साइड से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आगे है, मैक्सिमम टाइम ऑफ अटेम्प्ट्स द पेपर शॉल बी 2 hours and 30 minutes। तो आपका जो पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का, मतलब कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर थर्मल स्कैनिंग एंड सैनिटाइजेशन एटसेट्रा. हम सभी को पता है नॉर्मल डेज चल नहीं रहे हैं. एबनॉर्मल देखिए वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं जहां पे कोविड जैसी चीज ने सब कुछ एबनॉर्मल बना दिया है. तो आपको अब देखिए वो टाइम गया कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले आप पहुंच जाते थे, एंट्री ले लेते थे, टाइम से पहुंचे. 40 मिनट यहां पे मेंशनड है. एडवाइस हमारी तरफ से रहेगी 1 से 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाएं. थर्मल चेकिंग आपकी जैसे ही शुरू हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको कराएं, साथ में सैनिटाइजेशन अपना करवाएं और अपना सैनिटाइजर भी साथ में लेके जाएं. और मास्क तो आपको डेफिनेटली पहनना ही है, उसके बिना तो एंट्री आपकी होगी ही नहीं. अगला है ऑल पर्सन्स एसोसिएटेड विद एग्जामिनेशन शॉल फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द एनेक्शर वन. तो जो आपकी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है. एंड देखिए गाइडलाइंस आपकी बेसिकली सारी जो है वो कोविड से रिलेटेड है. मास्क पहनना अनिवार्य है. तो ये ना सोचे मैंने दुपट्टा ले लिया है तो ये देखिए प्रोफेशनल है. यहाँ पे दुपट्टे वगैरह से कोई काम नहीं चलेगा, उससे आप अगर ढक लेते हैं या कुछ तो मेक श्योर आप प्रॉपर मास्क पहन के जा रहे हैं. क्योंकि बहुत जगह ये भी सुनने को आया कि गर्ल्स हैं तो वो सिर्फ दुपट्टे से फेस को कवर कर लेती हैं, हैंकी से लड़के कर लेते हैं, हैंकरचीफ से. तो ये सब ना करें. कोई चीज किसी चीज के लिए बनाई गई है उसका जो इफेक्ट है, देखिए इतने सारे बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, 19 से 20 बच्चे आपको मिल जाएंगे या 15 जितने भी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, 20 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको. तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेपर देना है. बट ऐसी भीड़ भाड़ में कोई कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है आपको कुछ नहीं पता है. तो मेक श्योर मास्क पहने, अपना सैनिटाइजर लेकर जाएं आप. तो ये एडवाइजरी हमारी तरफ से भी आप सभी के लिए एडवाइस थी. तो ये थी दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल सोनीपत की डेट शीट फॉर योर बीएड फर्स्ट ईयर रीअपियर एंड सेकंड ईयर मेन एंड रीअपियर. अब देखिए इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बार ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं. और यहाँ पे क्वेश्चंस जो मुझे पूछे जाने हैं, आई नो कि मैम अगर कोविड हो जाता है किसी स्टूडेंट को या किसी को बाहर से आके अगर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है तो क्या, तो आप देखिए समय रहते आ जाए, अपना क्वारंटाइन पूरा कर ले. वो टाइम अभी इतना है नहीं. आई होप सो अगर नहीं कर पाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दें अपनी प्रॉब्लम. डेफिनेटली आज के टाइम में हर यूनिवर्सिटी के पास इस चीज का सॉल्यूशन है. दे नो हाउ टू टैकल विद दिस. तो बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी को टाइम रहते मेल कर दें एंड एग्जामिनेशन सेंटर पे भी टाइम से पहुंचे. तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें. और थैंक यू.